वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं फिर ग्रोसरी पर ब्लॉग बना रही हूँ। और लास्ट टाइम आपको याद होगा पिछले ब्लॉग में तो मैंने कहा था मैं पाकिस्तानी शॉप से ग्रोसरी करी जो कि मैं एक्सट्राए गई थी। तो आज मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह मेट्रो में। मेट्रो में हम बाकी ग्रोसरी करेंगे। तो प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और पहले तो आप मेरी फाइनल लुक देखें। ओके, मेट्रो पहुंच चुकी हूं मैं। तो अभी मैं अंदर जा रही हूं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जी, मैं मेट्रो में एंटर हो गई हूं। ये देखें यहां पे ये पत्तियां हैं जो हम यूज नहीं करते। ये देखें ये लोग ये पीते हैं, इसको ये चाय बोलते हैं। हमारी दूध वाली चाय होती है और इनकी ये चाय होती है। और इसमें हर तरह के इनके फ्लेवर हैं, हर तरह के। जैसे हमारी पत्तियों में होती है ना, लिप्टन हो गई है। अब ये देखें ये है, पर ये चाय बनाने के लिए नहीं है। हम ये ले सकते हैं पर चाय नहीं बना सकते, दूध वाली, उसका फ्लेवर। हाय, मेरी कॉक आ गई जो कि रमज़ान की वजह से स्किप हो गई है। सब चिप्स हैं यहाँ के। चिप्स देखें यार, पाकिस्तान के चिप्सों का मुकाबला ही नहीं है यार, बिल्कुल टेस्टलेस, दिल ही नहीं करता खाने को। मैंने कहा ये तो मस्त है, कॉफ़ी के बगैर गुजारा नहीं है। टिश्यू रोल्स हर तरह की वैरायटी। ये यहाँ के सोडे हैं, बहुत मज़े के हैं, मैंने बहुत ज़्यादा पिए है। अब आकर मैंने छोड़ दिया, अब मैं इतना नहीं पीती हूँ। और इसमें हर तरह के फ्लेवर हैं, ये बहुत मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पाकिस्तान में बहुत मैंने ढूंढने की कोशिश की पर पाकिस्तान में ना वाइट मिलते हैं, और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ना फ्लेवर्स वाले मिलते हैं यार। तो फेस वॉश है ना, यकीन करें बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और समझ से बाहर। तो जो फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं वो ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। ये है एक क्लीनर साबुन, ये इनके फेस वॉश है, जेल वॉश। शैम्पू है, मैं अपना बताती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ। मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इस वन, इट्स रियली ऑसम। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये इसका शैम्पू है प्लस कंडीशनर है, ठीक है। फिर हेयर्स पे यूज़ करने के लिए क्रीम है, ये पूरा एक सेट है जो मैंने ना लिया हुआ है, पूरा एक सेट। ये सब बच्चों के भी कंफर्ट्स हैं, यहाँ पर बच्चों की हर चीज़ डिफरेंट होती है, हर चीज़। ये कंफर्ट्स हैं कपड़ों पे जो इस्तेमाल होते हैं, और हर तरह के। यार इनकी स्मेल इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो वैसे ही कंफर्ट बहुत पसंद है। ये टॉयलेट्स के लिए यूज़ होता है। और ये देखिए प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, बहुत रिजनेबल प्राइस है यहाँ पर। चलें जी, ऑयल स्टार्ट हो गए हैं और प्राइस चेक। पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, ऑल ओवर महंगाई है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी महंगाई है यार, हर जगह महंगाई हो गई। पहले यही जो ऑयल की प्राइस थी, ये आपको ये कितने में ऑयल मिल जाता था पहले, ये वाला टीन वाला, हाँ 50 में टर्की एल ए लीरे में। और अब ये देखें इसकी प्राइस चेक करें आप। हर जगह बहुत महंगाई होगी, चावल चेक करें इनके यार। इसीलिए तो हम लोग पाकिस्तानी शॉप पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पाकिस्तानी चावल, पाकिस्तानी पत्ती नहीं मिल सकती। ये देखें ये इनकी सब चावलों की वैरायटी है,
ये हम पाकिस्तानियों के खाने के लिए नहीं है ना, इनके अचार है मसला है। और ये इनके अचार जो है ये इनके सिरके में अचार होते हैं यार, हम नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ ग्रीन जो चिल्ली होती है ना पट इनकी होती है वो येलो करके, हाँ ये वाली दिस वन ये हम यूज़ करते हैं, वो भी मैं समटाइम खाना ऐसे थोड़ा सा फीका बनाओ दे, ये दोनों बहुत मज़े की होती हैं, अदरवाइज़ इनका अचार इतना खाने का नहीं होता, ये सारा इनका अचार है। विनेगर लेना है, ये विनेगर पकड़े, ये अनार सॉस इतने मज़े की है मैं आपको क्या बताऊँ, ये पाकिस्तान में नहीं मिलती ना अनार सॉस, नहीं ये इतने मज़े की है, इतने डिलीशियस है ना मैं आपको क्या बताऊँ। ये हमारी फ़िलहाल अभी हो गई है, अब हम जा रहे हैं गोश्त लेने, क्योंकि आज हमारा माइंड है कि हम लोग कचौड़ियाँ बनाएं, तो उसके लिए उफ यार इतनी ठंड है मैं आपको क्या बताऊँ, इधर बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मैं आपको बता नहीं सकती बहुत ठंड है यार, और यकीन करें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, बिल्कुल भी स्मेल कहते हैं ना, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, बहुत ही प्यारी है यार। कीमा ले लिया मैंने, ओके रखते हैं। जी मछली मंडी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ओह माय गॉड हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं यार, मुझे इतनी मछली पसंद है, इतनी मछली पसंद है, पता नहीं कौन कौन सी, और प्राइस चेक करें और लोग लेते हैं, मुझे तो वॉमिट आ रही है यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती, इसको चेक करें यार, यार मैं इनको टच बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, तो बस तकफार यार ये लोग कैसे खाते हैं यार, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती, ओह माय गॉड मैं तो टच भी ना करना चाहूँ, ये इसके टीथ चेक करें, ओह माय गॉड सीरियसली यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊं, मैं इनको टच भी नहीं करना चाहती हूँ। ये आगे हम आज हमारी बननी है फ्रूट चाट, तो फ्रूट चाट के लिए थोड़ा सा सामान ले ले, ठीक है, ये ओलिव का फल है कोई, आई डोंट नो, अच्छा हम क्या लें, ऑरेंजेस तो हमारे पास हैं, एप्पल भी हैं, बनाना भी है घर पे, क्या चाहिए, ये सब फ्रूट्स हैं, यही तो मसला है कि यहाँ पे फ्रूट्स नहीं अवेलेबल होती, हाँ वाह देखें यार कितनी फ्रेश हैं वेजिटेबल्स, एक ये लेती हूँ मैं, एक की जगह दो उठा लेती हूँ, और दूसरा ये ले, और धनिया ले लें, और ये वाली लेनी है, यही वो लाए थे ना भाई, हाँ यही ले लें, इसके इसके पकोड़े वाकई बहुत मज़े के बने थे, पालक तो है पर इसके वाकई बहुत मज़े के बने थे, हाँ पालक तो ये है ना, ये पालक, पर यकीन करें कल मैंने इसके बनाए थे, सबने कहा ये कड़वे हैं, पर यकीन नहीं करेंगे आप बहुत मज़े के बने थे, ये ले लेते हैं, एक पैकेट बहुत है, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ग्रोसरी हो गई है, अब हमारी बारी आ गई है, कसम से इतनी वेटिंग के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल को पहुंच ही आए हैं। अब
ओके जी, फाइनली ग्रोसरी डन। अल्हम्दुलिल्लाह सब ग्रोसरी ओके है, सब चीज़ें ले ली हैं, तो रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। अभी जाके घर जाके रोज़े अफ्तारी की प्रिपरेशन करनी है। और कैसा लगा आप सबको तो ये देखकर ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।